तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं आज समास। आज क्या शुरू करेंगे? देखो भाई, समास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, समास को समझने से पहले थोड़ा सा जानेंगे समास और संधि में अंतर। कोई बताएगा समास और संधि में अंतर क्या है? देखो दिखता है दोनों एक ही जैसा है ना, संधि भी दिखता है समाज जैसा ही, समाज दिखता है संधि जैसा ही, लेकिन दोनों एक अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग टॉपिक है ना। दोनों में अंतर क्या है कौन बताएगा? देखिए भाई, संधि के केस में क्या होता है ना, संधि का संबंध किससे है? 100% संस्कृत से, ये ध्यान रखना है। संधि का संबंध सीधा किससे है? संस्कृत से है। संस्कृत से होने की वजह से संधि जब भी होता है, वो हम लोग जब शब्द विचार पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे। तत्सम शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू लिए गए है ना, जो संस्कृत का मूल रूप से लिया गया शब्द है वो तत्सम शब्द है। ठीक है भाई, तो संधि जब भी होता है उसके लिए शब्द का तत्सम होना जरूरी है, तद्भव शब्द का कभी भी संधि रहे संधि विच्छेद नहीं होता। समझ गए बात को? जबकि समास संस्कृत के शब्दों का भी होता है, हिंदी के शब्दों का भी होता है, उर्दू के शब्दों का भी होता है ना। यानी समास जो है वो तत्सम तद्भव सारे तरह के शब्दों का होता है। पहला अंतर समझ में आ गया संधि और समास में। दूसरा अंतर, जब हम लोग संधि को अलग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं है ना। और जो समास के केस में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामासिक विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामासिक विग्रह बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आता है भाई? संधि के केस में क्या होगा? संधि विच्छेद होता है, ठीक है, और समास के केस में सामासिक विग्रह होता है। दोनों का मतलब होता है उसको अलग करना। ठीक है, तीसरा अंतर देखते हैं। संधि में वर्णों के मेल से दो शब्द भी मिलाएंगे ना, उसका जो वर्ण है, यहाँ वाला वर्ण और यहाँ वाला वर्ण, मात्रा भी हो सकता है, उनमें कभी कभी क्या होता है ना, विकार उत्पन्न होता है ना। ये विकार किसका लक्षण है? संधि का लक्षण है। किसका लक्षण है? संधि का लक्षण है। समास में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, संधि के केस में एक जोड़ एक क्या होगा? एक एक होता है ना, हुआ ना। तो यहां जो है ये विकार उत्पन्न हुआ ना, नहीं हुआ? ऐसा बहुत सारा शब्द तुम खोजोगे तो उसमें क्या होगा, तुमको दिखेगा कि जो वर्ण है उनका जब मेल होता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। ये किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ संधि में होता है, समास में कभी नहीं होता। ये सारा अंतर याद रहेगा, याद रहेगा ना भाई? चलिए तो आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं, देखो ये जानना जरूरी होता है इसीलिए हम लोग डिस्कस किए इसको। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं समास क्या है। एक्चुअली समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, याद रखना, संधि में वर्ण भी मिलता है ना, लेकिन समास में वर्ण नहीं मिल रहा है, शब्दों का मेल है ये, है ना। किसका मेल है? दो शब्द भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। इनको मिलाकर जब कोई नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब समास को हम लोग अलग करते हैं तो उसको विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों मंत्र समझ में आया? जैसे संधि और संधि विच्छेद, समझ गए? उसी तरह से जब दो या दो से अधिक शब्दों को नया शब्द मिला रहे हैं बना करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समास बोलेंगे। और जब उनको अलग करेंगे तो सामासिक विग्रह बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे देश के लिए भक्ति, ये इसका विग्रह है। किसका? देशभक्ति का। और देशभक्ति का संधि विच्छेद क्या है? देशभक्ति का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देश जोर भक्ति, ये इसका संधि विच्छेद है। लेकिन इसका विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। दोनों मंत्र समझ में आया? इसका जब देशभक्ति का संधि विच्छेद करेंगे
तो देश जोर भक्ति, मृत्यु दंड का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मृत्यु जोर दंड, लेकिन जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो मृत्यु के लिए दिया जाने वाला दंड या फिर मृत्यु का दंड। समझ गए, क्लियर हुआ? तो मृत्यु का दंड क्या हो गया? सामासिक विग्रह हो गया। मृत्यु प्लस दंड क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। दोनों मंत्र समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। एक्चुअली समास के भेद कितने होते हैं? छह भेद होते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास। ऐसा होता है स्पेलिंग, द्वंद्व समास, है ना? और छठा है बहुव्रीही समास। जो लोग इसको नहीं लिखे हैं फटाफट लिख लें। चलिए भाई देखिए, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जो है, इसका नाम अव्ययी भाव इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस तरह के समास को हम लोग सामासिक विग्रह करते हैं तो जो पहला पद होता है इसको पूर्व पद भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? किसको बोलते हैं पूर्व पद? पहला पद, है ना? तो पूर्व पद या पहला पद जो होता है ये या तो उपसर्ग होगा, उपसर्ग सब लोगों को पता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के आखिरी में लगता है ना, उपसर्ग माने प्रीफिक्स, ठीक है? तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा? समासी विग्रह में जो पहला पद है यानी जो पूर्व पद है वो क्या होगा? या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा, है ना? समझ बात आ गई? पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा, है ना? जैसे आमरण है। चलिए भाई, तो समास जो है उसका पहला पद अगर अव्यय होगा या प्रधान होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव बोलेंगे, ठीक है? समासी विग्रह करने बाद ऐसा पता चल जाता है, जैसे आजन्म है तो पहला क्या है? पूर्व पद क्या है? आ, है ना? और दूसरा में आ, इसमें यथा, यथा प्रति, ये सब क्या है? अव्यय है, है ना? समझ गए बात को? तो ऐसा, और यही पद प्रधान भी होता है, तो ऐसे सारे शब्द, ऐसे सारे समासी विग्रह में जिसमें पूर्व पद या प्रथम पद जो है वो या तो क्या कहते हैं उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, उन दोनों ही केस में उस पूरे समास को हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल देखो, चलो देख लिए, आगे बढ़े। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, बाद में किसी कंफ्यूजन होगा तो डिटेल करेंगे, ठीक है? इस केस में जब एक ही शब्द कई बार आए तो पुनरुक्त हो तो भी अव्ययी भाव समास होता है, यहाँ ध्यान देना। तो पुनरुक्त किस शब्द का होता है? तो पुनरुक्त होगा या तो संज्ञा का या फिर अव्यय का, है ना? इन्हीं दोनों शब्दों की पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन में आना, ठीक है? तो जब ऐसा पुनरुक्त हो संज्ञा का या फिर अव्यय का, उस केस में भी, ठीक है भाई, इस केस में ये क्या होगा भाई? इस केस में ये अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होने के लिए पहला शर्त क्या देखे हम लोग? कि पूर्व पद जो है या प्रथम पद प्रधान होता है, है ना? और वो अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, उस केस में अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा हम लोग देखे कि या फिर एक ही शब्द दो बार आए, शब्द कौन कौन हो सकता है? संज्ञा हो सकता है और अव्यय हो सकता है। अगर इसकी पुनरुक्ति हो रही है उस केस में भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे दिन प्लस दिन, दिनों दिन, रात प्लस रात, रातों रात, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान है ना, अभी जो हम लोग पढ़े अव्ययी भाव उसमें क्या था? उसमें पहला पद प्रधान था, है ना? इसमें दूसरा पद प्रधान है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, अभी हम लोग कारक पढ़ चुके हैं, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास में अंतर को थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये बीच में क्या है? ये कारक चिन्ह है जिसका यहाँ लोप हो चुका है, ठीक है? उसी तरह से विद्यालय, विद्या के लिए घर, ये कारक चिन्ह है जिसका लोप हो गया है और इसका क्या है? दूसरा पद, या इसको उत्तर पद भी बोलते हैं,
कहीं कहीं पे यही उत्तर पद लिखा रहता है ना, दूसरा पद या उत्तर पद। उसी तरह से है राजकुमार, तो राजकुमार कौन है, राजा का कुमार यानी राजा का लड़का, ठीक है, ये राजकुमार हो गया। तो इस तरह का जो समास होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। अब यही भाव और तत्पुरुष समास में अंतर क्या है, अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और वो उपसर्ग या अव्यय होता है, जबकि तत्पुरुष समास में ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है ना, और बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। ये दोनों चीज याद रखना, इस दोनों से पता चलेगा कि वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं, इस छह भेद को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, है ना। और इस छह भेद को तुमको लगेगा कि अगर याद रखना कोई परेशानी है तो कोई परेशानी नहीं है। ये छह भेद जो है किस पर निर्भर है, कारक पर, इसकी निर्भरता किस पर है, कारक पर निर्भरता है ना। तो कर्म का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, को, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह को का लोप होगा, कौन सा कारक कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, समझ बात आ गई। जिसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यश प्राप्त है, तो यश को प्राप्त है ना, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप है, को, है ना। तो को जो है किसका विभक्ति है, कर्म कारक का, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष बोलेंगे इसको, ठीक है। हम लोग आते हैं करण में, तो जहां पर विभक्ति चिन्ह से का लोप होगा तो वहां पर लोग बोलेंगे करण तत्पुरुष समास है। जैसे भयभीत, भय से भीत, भीत मैंने होता है डरा हुआ, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो से या द्वारा जब भी रहेगा तो कौन सा कारक होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि वहां पर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अगला है के लिए, तो के लिए जो है इसका जब लोप होगा, जैसे विद्यालय है, विद्यालय हम लोग किस लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो विद्या के लिए घर, तो ये जो है कौन सा समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो, क्यों, संप्रदान विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, ध्यान रहेगा, कोई अलग से याद रखने जैसा चीज नहीं है, ठीक है। आपादान विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, जैसे धनहीन, धन से हीन जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, धनहीन हो गया, इसमें से विभक्ति चिन्ह का क्या है, लोप है ना। तो जब से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, ध्यान देना है, से विभक्ति चिन्ह का लोप है तो आपादान तत्पुरुष है, और से विभक्ति चिन्ह का लोप होने से करण तत्पुरुष भी है। दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा, करण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष में अंतर बताना, हाँ ठीक है। ये भय से डरा हुआ है, भय की वजह से डरा हुआ है ना, और इसमें धन से नहीं, मुक्त है, धन से अलग है, इसलिए ये आपादान तत्पुरुष है, समझ में आई बात, किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए इसमें देखिए अगला है संबंध तत्पुरुष, संबंध का, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, का के की होता है, जैसे देशवासी, देश का वासी, घुड़दौर, घोड़े की दौड़, इसमें क्या है, का विभक्ति चिन्ह का या की विभक्ति चिन्ह का लोप है, इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का क्या होता है विभक्ति चिन्ह, मेपर, मेपर का जब लोग हुआ, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय मतलब लोगों में प्रिय, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये मे और पर जब भी होगा तो इस तरह के सामासिक विग्रह में हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास बोलेंगे। देखिए भाई जनरली इतना डिटेल में नहीं पूछता है, जनरली तुमसे अगर पूछना होगा तो सीधा तत्पुरुष समास पूछेगा, तत्पुरुष समास अगर पूछेगा तो ध्यान देना, अगर उत्तर पद की प्रधानता है और कोई भी कारक का लोप है तो हम लोग उसको सीधा तत्पुरुष समास बोलेंगे। अब जिस विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है उस विभक्ति चिन्ह के हिसाब से उस कारक का नाम देते हुए तत्पुरुष समास लिख देंगे, समझ बात आ गई, कोई दिक्कत है। अगर मान लेते हैं से का लोप है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई आपादान कारक है या फिर करण कारक है ना, बाकी किसी में कुछ ध्यान देने जैसा कुछ विशेष है नहीं, तुम फटाफट लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े,
अगला है हमारा कर्मधारय समास। अगला क्या है हमारा? कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। अगला है, तो अगला है भाई कर्मधारय समास। देखिए अभी समझ में आ गया था प्रथम पद उत्तर पद क्या होता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद और उत्तर पद समझ में आ गया। उत्तर पद मतलब बाद का पद है ना, तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष, इसको हम लोग समझ गए थे पहले। विशेषण और विशेष में क्या संबंध है भाई? विशेष से वो संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, और विशेषण वो शब्द होता है जो उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो विशेषण और विशेष समझ में आ गया है ना। दूसरा है उपमान उपमेय। अब इसको समझना है थोड़ा सा, इसको समझने के लिए तुम्हें एक लाइन लिखता हूं, उसको याद रखना, इसको लिख लीजिए भाई। उपमान से उपमेय की उपमा दी जाती है। हाँ, इस लाइन को याद रखना, ये तुम्हें अलंकार पढ़ने में भी मदद करेगा। हाँ, इसको लिख लीजिए पहले। उपमान से उपमेय की उपमा दी जाती है। अब इसमें एक सेंटेंस से तुम्हें उपमान उपमेय और उपमा तीनों समझा दूंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, लिखा हुआ है मान लो, इसमें लिखा हुआ है, मान लेता हूं, लिखा हुआ है चांद सा मुखरा है ना। मान लेता हूं ऐसा एक सेंटेंस, क्या समझे? चांद सा मुखरा। अब इसमें जो है उपमान से, ध्यान देना है, उपमान से उपमेय की उपमा दी जाती। उपमान से किससे उपमा दे रहे हैं? चांद से उपमा दे रहे हैं। तो उपमान इसमें कौन हो गया? यस। उपमेय की उपमेय कौन हो गया? ठीक है, उपमा दी जाती है। उपमा मतलब उदाहरण दी हम लोग, समझ बात आ गई है ना। फूल सी कोमल बच्ची है ना, तो उपमान से, इसमें उपमान कौन है? फूल सी कोमल बच्ची में फूल है ना। उपमेय कौन है? बच्ची है, नहीं समझ गए? कोमलता की उपमा दे रहे हैं है ना, जिसमें उपमा क्या हो गया? कोमलता है ना। जैसे चांद सा रोशन चेहरा रहता तो रोशन क्या हो जाता, समझ गए? तो चांद सा रोशन चेहरा में रोशन हो गया क्या? उपमा। मुखरा हो गया उपमेय, और चांद हो गया उपमान। फूल सी कोमल बच्ची में कोमल हो गया उपमा, कोमलता की उपमा दे रहा हूं है ना। किससे दे रहा हूं? उपमान कौन है? फूल है ना, और उपमेय कौन है? बच्ची है ना। समझ में आ गया ये सब? उपमान उपमेय का संबंध समझ में आया? तो ऐसा कर्मधारय समास जब भी होगा उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है। ये हुआ ज्ञान की बात। काम की बात क्या है ना, इसका जब विग्रह करते हैं हम लोग, सामासिक विग्रह करते हैं, ये दो चीज ही आता है, जो और के समान है ना। नीला है जो कमल या कमल के समान चरण, समझ गए बात को? ये दो जब आ जाए बीच में शब्द तो समझ जाना है, ये है ट्रिक, तो समझ जाना है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है ना। सिंह के समान नारा, नर है यहाँ पर, ये नारा गलत हो है ना, इसको करेक्ट कर लेना भाई, इसको करेक्ट कर लेना, नर लिखना है, नर नारा लिखा होता है ना। सिंह के समान नर। काली मिर्च है, काली है जो मिर्च। कमल के समान चरण। नीला है जो कमल। तो ये है जो और के समान जब भी बीच में आए तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसको डिटेल में समझने के लिए और गहराई में समझने के लिए समझना है कि इनमें दोनों ही पदों में उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छा।
अगला है द्विगु समास। द्विगु समास को याद रखना ऐसे ही है जैसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण को याद रखते थे। द्विगु समास में जैसे ही विग्रह करते हैं तो उसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होता है। तो जब भी ऐसा पहला पद संख्यावाची हो जाए तो हम लोग उस जगह पर क्या करेंगे, उसको द्विगु समास लिख देंगे। जैसे दोराहा, त्रिलोक, पंचवटी, नवरत्न, इसमें थोड़ा सा समझना है, आगे देखेंगे हम लोग क्या समझना है, ठीक है। कहीं कहीं जहां हम लोग को एक बार रुकना है। जैसे एग्जांपल के तौर पूछता हूं, जैसे चतुर्भुज है क्या होगा, है ना, दशानन है क्या होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस पर कि और क्या संभावना बनती है इसके अलावा, है ना। इसको लिख लिए सब लोग, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सुंदर बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, दो वर्ड रहेगा और उसके बीच में हमेशा ऐसा योजक चिन्ह रहेगा, ठीक है। और 99% केस में दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, है ना। और उनको अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो विग्रह में क्या आता है, या, है ना, ये सब भी आता है और तथा ये सब भी आता है, ठीक है। जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, देश विदेश, दिन रात, धर्म अधर्म, ये सब जो है कैसा समास है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास को पहचानने में कोई दिक्कत होगी क्या? द्विगु है, संख्या है तो द्विगु है, है ना। दो वर्ड रिपीटेड है, बीच में योजक चिन्ह है, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कोई दिक्कत है भाई, आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे। याद रखिए भाई, बहुव्रीही समास में थोड़ा सा ध्यान देना है और द्विगु समास को याद करना है, है ना। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं लंबोदर, तो इसको हम लोग जो विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा लंबा है उधर जिसका, इसका मतलब तो लिख रहे हैं लंबा है उधर जिसका, लेकिन इंगित कर रहे हैं किसकी तरफ, गणेश भगवान की तरफ, है ना। तो इसीलिए कहा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें, विग्रह जो है वो किसी अन्य शब्द की तरफ लक्ष्य करके बोला जाता है। जैसे दशानन लिखा हुआ, दशानन क्या मतलब है, दस मुख है जिसका, ये मतलब हुआ। लेकिन हम लोग कहना एक्चुअली किसके बारे में चाह रहे हैं, रावण के बारे में। उसी तरह से पीताम्बर है, अंबर मने होता है कपड़ा, हाँ अंबर मने होता क्या है, कपड़ा होता है ना। तो हम लोग एक्चुअली किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, कृष्ण भगवान के बारे में बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पीताम्बर पहनते थे, ठीक है। तो पीला अंबर है जिसका, अंबर मने आकाश भी होता है और अंबर मने कपड़ा भी होता है। अब चतुर्मुख, चार मुख है, अब चार मुख तुम देखो तो द्विगु समास लिख देना, है ना। तो चार मुख तो उस जगह पे हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि समास का भेद जो है वो सामासिक विग्रह पर निर्भर करता है, समझ गए। लेकिन अगर सामासिक विग्रह है, चार मुख है जिसके, तो द्विगु समास नहीं होगा, तब क्या होगा, बहुव्रीही हो जाएगा। दशानन, दस मुख ऐसा अगर रहेगा विग्रह तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर दशानन दस मुख है जिसके, ऐसा विग्रह करके रखे हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, रावण जी के बारे में बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीही समास। कोई दिक्कत है यहां तक में, आगे बढ़े, समझ गए। तो काल पढ़ेंगे हम लोग भाई अगले दिन, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, काल हो ही नहीं रहा, हाँ अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ रुको ना, हाँ अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काल, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना।